guys, my name is Muhammad Sina. I am studying in 6B. We all know June 5th, we celebrated World Environment Day. This year, Environment Day will be dedicated to the dream and Sundarlal Bhagwan. He was an Indian environmentalist and Chipko movement leader. He passed away last week, therefore this year Environment Day will be dedicated to him. We are staying in a rented house, an upstairs portion of a house with no terrace on it. The only possible way to plant a tree is only on the balcony. So I used to plant some kind of aloe vera, tulasi, mint, like, and also some indoor plants. As there is no sufficient mud, so we have planted some water plants also during the lockdown period. Due to the COVID-19 pandemic situation, I spend more time to take care of plants. Benefits of indoor plants. Indoor plants may help reduce stress levels. Real plants may sharpen your attention. Plants may help you recover from illness faster. Plants may improve your whole outlook on work. Plants may improve the quality of indoor air. Thank you, my dear friends. Don't forget, stay home, stay safe. Namaskar. मैं आकृति बच्चन कक्षा 5वीं अ केंद्रीय विद्यालय द्वाराचार्या अपने प्यारे देश भारत की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह शपथ लेती हूँ कि मैं मानवता के हित में मानव जीवन की रक्षा के लिए प्यारी धरती माता के संरक्षण और पुनः स्थापित करने की शपथ लेती हूँ। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को रोकने की कोशिश करूँगी जो पर्यावरण के खिलाफ काम करता है और धरती माँ की संतुलन को नुकसान पहुँचाता है। मैं भावी पीढ़ी के लिए रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित करने हेतु अपने आप को समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। सावधान, स्वच्छ भारत प्रतिज्ञा की अवस्था में प्रतिज्ञा शुरू कर। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और ना ही करने देते हैं। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्ति से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे इसके लिए प्रयास करूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। जय हिंद। दिया बाती हजारों रोशनी घुल घुल जाए हवा में चाशनी है सेवा।